किताबों से हमें दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे में छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी काफ़ी ज्ञानवर्धक होता है। ऐसे छात्र जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं, उन्हें सहूलियत देने के लिए जहानाबाद के शास्त्री नगर स्थित मलहचक मोड़ के पास गुरुकुल लाइब्रेरी का सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। गुरुकुल लाइब्रेरी अत्याधुनिक सुविधा से छात्रों के पठन पाठन के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। लाइब्रेरी में आने वाले छात्र छात्रों के पठन पाठन के लिए गुरुकुल लाइब्रेरी की ओर से डेली न्यूज़पेपर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित मैगजीन हो या फिर समाचार से संबंधित मैगजीन, विश्व की विभिन्न जानकारियों से संबंधित मैगजीन, उन सब की भी व्यवस्था की जा रही है। छात्रों को पढ़ने में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए उन्हें पर्सनल केबिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही इस लाइब्रेरी में कई अन्य खासियत हैं, जैसे यहाँ ऑनलाइन पठन पाठन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र दुनिया भर के ज्ञान को ऑनलाइन माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। गुरुकुल लाइब्रेरी के डायरेक्टर मुरली किशोर शर्मा और गुरुकुल लाइब्रेरी के संचालक रवि रंजन और दीपू कुमार, जो लाइब्रेरी की सुविधाएं और यहां आने वाले छात्र छात्राओं की व्यवस्थाओं को मैनेज करने की भूमिका में रहेंगे, उन्होंने बताया कि यहां पावर बैकअप के साथ वाईफाई की सुविधा और आने वाले छात्र छात्राओं के लिए लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने लाइब्रेरी का भ्रमण करते हुए लाइब्रेरी के डायरेक्टर को आश्वस्त कराया कि उनकी ओर से लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन के कई विकल्प उपलब्ध हों, उनकी ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। सब तरह का सर पुस्तक ऑनलाइन सारा सर मिलेगा। हम अपने गुरुकुल संस्थान जो गुरुकुल लाइब्रेरी है उसका अनावरण किया था माननीय सांसद महोदय जी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने किया। इस लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, जो नई शिक्षा व्यवस्था है, ताकि नए तरीके से सारे बच्चे जो जहानाबाद जैसे छोटे शहर में भी, दिल्ली और पटना में जो जाकर पढ़ते थे, वो सारी सुविधाएं हम जहानाबाद में दे रहे हैं, ताकि बच्चों को अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में न जाना पड़े। और जो भी गरीब बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों के लिए मैंने अलग से सेवाएं प्रदान की है। हमेशा छात्र हित के लिए हम खड़े रहे हैं और आगे भी छात्र हित के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हम इस शिक्षा के क्षेत्र में करते रहेंगे।